हेलो सर। जी अनिल जी। हाँ सर, वो है ना भैया अभी घर पे नहीं है, तो बोले हैं जो 1 घंटा के बाद। अरे क्या बोले सर? मेरे भैया है ना, वो घर पे अभी नहीं है। अनिल कुमार जी, फिर अकाउंट यहाँ से आपका बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है? अनिल कुमार जी बात कर रहे हैं ना सर आप? जी जी अनिल कुमार जी, फिर अकाउंट आपका बंद कर दिया जा रहा है सर। 15 दिन का क्या करूँ मैं, बोलो? ठीक है सर, तो कर ये देंगे वेरीफिकेशन ठीक बैंक है, अकाउंट का बैलेंस भी आपका होल्ड हो जाएगा सर, बैलेंस भी आपको नहीं मिल पाएगा। जाए। ठीक है सर, उसमें बैलेंस भी नहीं है। अभी अकाउंट में आपका बैलेंस आपने बोले 20,000 है, अभी बोल रहे नहीं है। मैं तो जो चालू इसमें आप जो कह रहे थे ना, तो वो नहीं। हाँ चालू वाला ही मैं बोल रहा हूँ, चालू वाला ही आपका बंद हुआ, वो तो आपका पहले से बंद है ना, चालू वाला ही आपका बंद हुआ है अकाउंट सर। जी सर, जो आपका डेट अभी खत्म नहीं हुआ है ना, जो आपको नया कार्ड, जो रुपए कार्ड मिला है ना, रुपए कार्ड, हाँ तो क्या कर सकते हैं हम? वो भैया फोन किए हैं, वो अभी घर पे है नहीं, बोले हैं पहुंचेंगे आपको तो। आपको घर अभी आपको घर जाने में कितना टाइम लगेगा सर? और हम दूसरे जगह आए हुए हैं। तो फिर अनिल कुमार जी चालू नहीं हो पाएगा, माफी चाहता हूँ, मजदूर मैं कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। आप बैंक जाएंगे, बैंक वाले आपको पूछेगा कि वेरिफिकेशन रिन्यूअल के लिए कॉल आया था, तो बोल देना मेरे को वेरिफिकेशन रिन्यूअल के लिए कॉल आया था, खाता और एटीएम आपका बंद कर दिया जा रहा है, लॉक कर दिया जा रहा है, अकाउंट में जो बैलेंस है बैलेंस पूरा आपका गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है, अकाउंट का बैलेंस फिर आपको जो अकाउंट में आपका 20,000 बैलेंस है, बैलेंस आपको नहीं मिल पाएगा अनिल कुमार जी। तो ये ऐसा थोड़ी होता है, 1 दिन में आएगा। हमको अगर पास अभी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? तो आप घर कब जाएंगे सर? घर जाएंगे हम, 2-3 दिन लग जाएगा हम। ये सिस्टम इतना टाइम नहीं होता है सर, ये वेरिफिकेशन रिकॉर्डिंग कॉल किया जाता है। आज का डेट में आपका ब्रांच का 225 अकाउंट बंद हुआ था, 225 अकाउंट में 121 अकाउंट चालू हो चुका है, 121 अकाउंट आपका 122 में नंबर था, उसकी वजह से आपको वेरिफिकेशन रिकॉर्डिंग कॉल किया गया, 121 अकाउंट चालू हो चुका है, सीरियल सीरियल कॉल किया जाता है, सारे कस्टमर जिसका जिसका पैन कार्ड के वासी अपडेट नहीं हो पाया है, सारे का पैन कार्ड के वासी अपडेट किया जा रहा है। तो पैन कार्ड के वासी अपडेट नहीं होगा तो ऑटोमेटिक आपका अकाउंट सिस्टम परमानेंट के लिए बंद हो जाएगा, और अगर यदि एटीएम कार्ड अकाउंट आपका बंद हो गया तो अकाउंट का जो बैलेंस है बैलेंस आपका गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप बैंक आएंगे, बैंक वाले आपको बोलेगा कि आपका वेरिफिकेशन रिन्यूअल के लिए कॉल आया था, तो आप जी वो तो हम बोल देंगे, पर इससे पहले हमको मैसेज वैसा कहाँ कोई आया है? मैसेज आपको दिया होगा सर, मैसेज में आपने बयान नहीं दिया होगा। नहीं मैसेज हर मैसेज हम पढ़ते हैं, मैसेज कोई ऐसा नहीं आया है हमारे पास। अनिल कुमार जी, यहाँ से सिस्टम में चेक कर पा रहा हूँ, आपको 3 बार मैसेज दिया गया, आपको 38 मार्च का एक बार मैसेज दिया गया था, जैसे सिस्टम हमारा बता रहा है, आपको 38 मार्च को एक बार मैसेज दिया गया था, 19 अप्रैल को एक बार मैसेज दिया गया था, और 16 मई को एक बार मैसेज दिया गया, तो लास्ट का डेट में आपको जून में कॉल किया गया है। मैसेज क्या आया है बैंक में पर ये आप जो बता रहे हैं वो मैसेज नहीं आया है। नहीं, पैन कार्ड के आवासी का मैसेज मिला होगा, आपका पैन कार्ड के आवासी अपडेट करवाना है, पैन कार्ड आपका इंग्लिश में लिखा होगा, अगर दीदी आप इंग्लिश पढ़े लिखे होंगे तो बिल्कुल मैसेज आप पढ़ लिखे होंगे सर, मैसेज आपको दे दिया गया था। पढ़े लिखे हैं पर मैसेज तो आया है पीएनबी का, मतलब आप जो कह रहे हैं जो पीएनबी अप टू डेट का ये नहीं है। अपडेट भी आपका केवासी अपडेट का मैसेज मिला होगा सर, केवासी अपडेट नहीं हो पाया अनिल कुमार जी, उसकी वजह से अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया गया है, और अकाउंट आप ओपन नहीं कराएंगे तो अकाउंट परमानेंट के लिए बंद हो जाएगा, अकाउंट का बैलेंस फिर आपको नहीं मिल पाएगा। हमारे बैंक का आप कस्टमर है, उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जान की जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको डेट बताना जरूरी है, डेट नहीं बता पाएंगे तो अकाउंट ओपन नहीं होता सर, अकाउंट फिर परमानेंट के लिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं? कौन सी ब्रांच? ये पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब पीएनबी एटीएम हेड ब्रांच से कॉल किया गया सर, तो हेड ब्रांच वही ना पूछे, हेड ब्रांच कहाँ से? ये पटना मेन ब्रांच से वेरिफिकेशन ओ ठीक है सर, रिकॉर्ड, अभी तो हमारे पास उपलब्ध नहीं हो पाएगा हम पता करके। अच्छा तो फिर कैसे क्या करूं, अकाउंट आपका फ्रीज कर दिया, अकाउंट का बैलेंस 0-0 कर दिया हूं, ठीक है? ठीक है सर, हम जाके बैंक पर पता करेंगे आपके।